नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक कहावत है कि सांप नहीं मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब काम का काम हो जाए और कोई शोर शराबा भी ना हो। कुछ ऐसा ही इन दिनों राजस्थान में हो रहा है। जिन सियासी नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से हंगामा हो रहा था, अब वो नियुक्तियां होने भी लग गई, लेकिन किसी तरह का कोई हंगामा भी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां एक ओर कोरोना को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, वहीं इसी बीच उन्होंने सियासी नियुक्तियों का दौर भी शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सचिन पायलट गुट का जो रुख है वो सिर्फ एक ही है कि वो सिर्फ देख पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले दिनों सीएम गहलोत ने जहां वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां की थी, इसके तहत गहलोत ने विधायक रोहित वोहरा के पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रद्युमन सिंह को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर रोहित को उनकी वफादारी का इनाम दिया। वहीं अब उन्होंने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों के तौर पर अपने करीबी सीताराम अग्रवाल और सुनील परिहार को नियुक्ति दे दी है। इस दौरान सचिन पायलट की तरफ से कुछ बयानबाजी भी हुई। बयानबाजी रही चाहे वो SC ST का मुद्दा हो उसको लेकर या फिर सियासी नियुक्तियों को लेकर। कोशिश थी कि कैसे भी उपचुनाव में कांग्रेस थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो सीएम अशोक गहलोत हैं उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फेरा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यकुशलता कहे या अच्छी रणनीति, जिससे कि ये सारे पैंतरे फेल होते नजर आए। जहां एक ओर सीएम गहलोत सरकार और संगठन को साथ साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, वहीं सचिन पायलट प्रदेश की राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से अगर कोई बयान आता भी है तो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए, फिर चाहे इससे पार्टी को कोई बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए। पायलट ने अपने बयान के जरिए SC ST विधायकों के साथ भेदभाव के मुद्दे को तूल देने की कोशिश की थी, ताकि उपचुनाव में पार्टी हार जाए और इसका ठीकरा सीएम अशोक गहलोत के सर पर फूटे। लेकिन अशोक गहलोत की मजबूत पकड़ के कारण उनका ये अरमान पूरा नहीं हो पाया।